आज तुम्हें इतने दिनों बाद खुश देखा, तो बस नजर उतार दी, किसी की नजर ना लग गई हो ना। बहुत ही जज्बाती है नीम। इकरार भाई, आप बहुत लकी हैं कि आपको नेहा जैसी इतनी केयरिंग वाइफ मिली। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा लकी तो मैं हूं जिसे इकरार जैसे लविंग हस्बैंड मिले। अब राज जैसा केयरिंग भाई और खाला अम्मी जैसी माँ, अल्लाह ताला ने ना मुझे कंप्लीट फैमिली पैकेज दे दिया। मानो पहले ना मैं अपने मामा पापा की डेथ पे बहुत रोती थी, अकेले बैठ के अल्लाह मियाँ से बहुत शिकवा करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, इतना प्यार मिला, फिर समझ में आया कि अल्लाह ताला ने कुछ रिश्ते दिए लेकिन बदले में बहुत सारे रिश्तों से नवाजा। तो बस फिर जो रिश्ते आपको रब ने दिए हैं उन्हें निभाने के लिए आप हमारे साथ चलें। मानो ठीक कह रही है नीनू, अपने घर चलते हैं। कौन सा घर? जिस घर में भाभी से ठीक बात करने पर भी भाईजान गुस्सा हो जाते हैं। भाई, वो घर सिर्फ आफरीन का नहीं, हम सब का है, और अगर हम सब इकट्ठे रहेंगे तो असल मजा जिंदगी को जीने का उसी में है। भाई, नेहा, आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी आप लोगों को पहचानने में। कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही हो जाती है। नेहा, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। एक बात पूछो। पूछो बेटा। नीनू भाभी जब यहाँ रुखसत होकर आई थी तो आप लोगों ने कैसे वेलकम किया था उन्हें? अरे बेटा, घर की बच्ची थी, घर के घर में रुखसत हो गई, क्या वेलकम वगैरह। बाजी, ड्राइवर जो सामान लेके आया मैंने कमरे में रख दिया। ठीक है, तुम जाओ। क्या सामान है? सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? क्यों ना नीनू की वापसी को हम नई नवेली दुल्हन की तरह सेलिब्रेट करें। क्या हुआ मामा ने? आपने तो नीनू को हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, तो क्यों ना मां बनकर उसकी खुशियों का सोचूं? मैं जानती हूं ये सब करने से इकरार भाई और नीनू के दिल में जो गिले शिकवे हैं वो दूर ना हो सके, लेकिन कम तो हो सकते हैं ना।